हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल पहला दिन है। सुबह 10 बजे से तपोवन में सियासी हल्ला होगा। पहले दिलाई जाएगी विधायकों को शपथ। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बना डाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पहले विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना दी है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल से आगाज होने जा रहा है। काफी खास ये सत्र रहने वाला है और ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा शीतकालीन सत्र होगा जिसमें कोई भी मंत्री नहीं होगा। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहला सत्र इतनी देर से किया है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। आमतौर पर विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद, सरकार के गठन के पश्चात लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सेशन धर्मशाला में हुआ करता था, और अब की बार कई दिनों के बाद, मुझे दिन याद नहीं कितने दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद काफी दिन, 20-22 दिन के बाद हम इस सेशन में यहाँ पर आकर के भाग लेने के लिए आए। आपको क्या लगता है और इस सेशन में, मैं थोड़ा सा इस सेशन में सिर्फ 2-3 चीजों को लेकर, 3 दिन का सेशन है, इसमें विधायकों की ओथ होगी, स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद गवर्नर का एड्रेस होता है, तो ये बहुत छोटा सा होता है, औपचारिक सा होता है, इसलिए बहुत सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर उठाने की गुंजाइश ज्यादा होगी भी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, वाकई ऐतिहासिक सत्र रहने वाला है जिसमें कोई कैबिनेट नहीं होगी। बिल्कुल दीक्षिता, देखिए आज जो है वो विधानसभा सत्र से पहले जो है विधायक दल की बैठकें जो है वो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में चल रही है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री आज ने आभार जन रैली को संबोधित किया है, उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं जाकर के विधायक दल की बैठकें शुरू हुई हैं और कल 4 तारीख को जो है वो शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो है कोई भी कैबिनेट जो है इस विधानसभा शीतकालीन सत्र में नहीं रखी गई है। हालांकि कल जो है विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद जो है शीतकालीन सत्र की आगामी कार्यवाही चलेगी। उसके बाद जो है वो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो पूर्व में रह चुके हैं और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार कभी भी जो है वो हमारी भी बन सकती है और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की सरकार जो है मजबूत नहीं है और निराधार फैसले जो है वो सरकार लेती हुई नजर आई है। तो इसी कवायद के चलते विधायक दल की बैठक जो है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो डिपोल में उनकी बैठक जारी है, साथ ही साथ दूसरे जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी बैठक भी जारी है। तो अभी बैठकें जो है 7 बजे शुरू हुई हैं और तकरीबन मानकर चला जा सकता है कि 1 से 1.5 घंटे तक की बैठक चलेगी या इसे ज्यादा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि अभी मंत्री जो है वो बनाए जाने हैं, किसी प्रकार की कोई कैबिनेट जो है वो अभी तक नहीं हुई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लंबी बैठकें भी चल सकती हैं और निर्णय इनमें हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है विधायक दल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है वो सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि जिस तरह से जो दफ्तर बंद किए गए हैं, डीनोटिफिकेशन की कवायद जारी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अच्छा खासा रोष देखा गया है और अब वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। तो कल सबसे पहले जो है वो विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद राज्यपाल का अभिवादन होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह से जो है वो शीतकालीन सत्र विधानसभा क्षेत्र विधानसभा का चलता है, वो कल 11 बजे के बाद ही पता चलेगा।